आपका दोस्त आपका होस्ट उवैस मलिक आवान और आज हम खड़े हुए हैं नौमी पाए पे जो कि 4 नंबर पे वाकया है। यहाँ का पाया सुबह 6 बजे लगता है और 9-10 बजे तक बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अभी मेरे पीछे आप रश देख सकते हैं, मज़ीद बहुत रश है। अभी आपको यहाँ के मनाजिर दिखाते आए मेरे साथ। तो भाई यहाँ तो रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि भाई हमारे को चने ला दो, पाया ला दो, खा लें, थोड़ा बहुत खाएंगे तो रिव्यू दे सकेंगे। रेट कम हो जाएंगे थोड़ा? क्या रेट हो जाएंगे? 200-150। अच्छा अच्छा 20 रोटी 4 पाए 20 रोटी दे। तो वही इस टाइम पे हम खड़े हैं नौमी पाए पे और ये माशाल्लाह यहाँ का रश है और इस टाइम पे अभी 7 बज रहे हैं और ये मनाजिर हैं। लोग खड़े में इनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर इनको पाया मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इस उम्मीद में खड़े हैं कि क्या क्या पता मिल जाए कि कुरंगी 4 नंबर पे वाकया है और ये उसके मनाजिर हैं। और आधा पतीला खाली हो चुका है इसका, थोड़ा सा पतीला ही बाकी है। तो भाई आधा पतीला तो हो चुका है लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं लाइन में कि क्या पता इनको मिल जाए। तो अभी इस टाइम पे 7:10, 7:20 हो रहे और ये हालात हैं यहाँ लाइन चेक। चार पाए 20 रोटी दे। आपने मेरे को पैसे कितने दिए? एक कमाल ले रहे हैं मेरा बच्चा सारे को मेरे। रेट कम हो जाएंगे थोड़ा? क्या रेट हो जाएंगे? 200-150। अच्छा इस टाइम बाद पाया भी सस्ता हो जाएगा कराची शहर में, कोई और चीज़ सस्ती नहीं होगी लेकिन पाया ज़रूर सस्ता होगा। माशाल्लाह ये लाइन अभी भी बरकरार है और पाया तो मेरे ख्याल से आधा पतीला हो चुका है लेकिन लोग इस उम्मीद में क्या पता मिल जाए। तो भाई कुरंगी का नौमी पाया कराची का इस टाइम पे वन ऑफ दी बेस्ट पाया है और जो लोगों का रश आपको बता रहा होगा कि ये कितना अच्छा और कितना टेस्टी है। तो अगर आप यहाँ आते हैं बैठ जाते हैं तो बैठने पे ये है कि सर्व कर देते हैं ये, उसमें आप खा सकते हैं लेकिन पार्सल लेके जाना तो ये हालात है यहाँ पर पार्सल लेके जाने। कुछ लोग हिम्मत हार चुके हैं जा रहे हैं बिना पाए ले और कुछ लोग हैं कि वो अभी तक हिम्मत नहीं आ रहे वो खड़े हुए। ये चनों की लाइन है इस तरफ और ये इस तरफ पाए की। डाइनिंग में बैठे हुए लोग खा रहे हैं, जो खा रहे हैं उनको मिल जाएगा जो यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज अगर आप पार्सल करने आ रहे हैं तो पार्सल में कोई इत्तमाम नहीं है भाई। तो भाई ये देख सकते हैं पतीला हो चुका है आधा। ये रोटियां होती हैं इनके पास इस तरह की जो कि पहले से रेडीमेड मंगाते हैं और रेडी पड़ी होती है क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि रोटियां भी लगाएं और पाए भी। रोटी एक मिनट तरी और मसाला डाल दो
बड़ी सही लग रही है। प्याले में भी कोई नहीं तो भाई यहाँ के मनाजिर चेक करें भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई फ्री में मिल रहा पाया, तो ये इस वजह से इतना रश लगा हुआ है और पतीला आधा हो चुका है, लोग इतने खड़े हैं, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है भाई। अगर यहाँ बैठ के खाओगे तो फिर आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता। कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक उनको सर्व नहीं हुआ, वो काफ़ी टाइम से बैठे हैं। कुछ लोगों को मिल गया, ये इनकी शॉप है छोटी सी। तरी ले आओ भाई, तरी दुकान कब ली अंकल? दुकान कब बनाई? दुकान हमारे यहाँ खाली हम इतवार को लगाते हैं। अच्छा, बिलाल ने पांच इस लोकेशन में इतवार को लगा, पहले हमारे पास वो दुकान थी जो बंद पड़ी थी। अच्छा, हम खाली इतवार को लगाते थे, यहाँ भी इतवार को लगाते हैं, सही जगह पे लगाते हैं। अजमीन भाई उठा, हटा 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 हटा, दिमाग दिखा, हटा हटा, फिर क्या करेगा बाद में? एक दे गया धला, मैं पांच छोले बिलाल तू काट के नया। ये मनाजिर है, यहाँ के पार्सल भी चल रहा है साथ में, ये बिलाल भाई उठा रहे हैं, बिलाल किस लिए बड़े प्लेटों में भी सर्व हो रहा है, ये इनका मसाला है, ये मसाला डाल के आहा बेहतरीन हो गया। भाई शोर हो गया इधर, शोर हो गया, रश पड़ गया भाई जी। भाई तो कराची का नोमी पाया इस टाइम पे छाया हुआ है, कुरंगी में, कुरंगी चार नंबर पे हम लोग इस टाइम पे खड़े हैं, ये मनाजिर है माशाल्लाह, और कुछ लोग खड़े हुए इस तरीके से, चने की लाइन है और ये इनकी डाइनिंग है, यहाँ पर सर्व करते हैं टेबलों पे, लेकिन क्या मनाजिर हैं भाई। आज संडे का दिन है और तकरीबन 7:45 का टाइम हो चुका है इस टाइम, और ये छोटी भी खड़ी हुई है, इसको नहीं मिला। आपको मिला पाया? नहीं मिला, नहीं, नहीं मिला आपको? बोलो नहीं, नहीं, नहीं। भाई यहाँ पर सर ही सर दिखाई दे रहे हैं इस टाइम, सिर्फ सर ही सर। दाल यार, डबल शिफ्ट कर लिए, डाल दो भाई डाल दो, रोटी की आपने काटनी है भाई, थोड़ी देर में रिफिल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, यानी कि थोड़ा बहुत आसरा हो जाएगा लोगों का आज। भाई हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि हम थोड़ा लेट हो गए, अगर फजर में आ जाते तो हमें पहले मिल जाता, कुछ ना कुछ आसरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि संडे में जो फजर में भी आता है वो भी रश में फंस जाता है, फजर में भी आने का कोई फ़ायदा नहीं था इधर। भाई इनको समझ नहीं आ रहा कि बैठने वालों को सर्व करें या जो पार्सल वाले हैं उनको दें, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम से खड़े हुए, अगर बैठने वालों को सर्व करते हैं तो पार्सल वाले रुक जाते हैं, और अगर पार्सल वालों को सर्व करते हैं तो यहाँ शोर मच जाता है सारा, अलग ही माहौल बना हुआ है भाई का। ये जो इनकी लोकेशन है ये यहाँ पर संडे वाले दिन लगाते हैं, अदरवाइज ये बाहर लगाते हैं साइड पर किया। आज की ये दुकान ये हमेशा संडे वाले दिन खोलते हैं। नौमी पाया चना।
पांच रोटी ये और आगे पाया चम्मच मारते हैं तो उसके बाद ही पाया डलता है वरना नहीं डलता भाई। ये चम्मच में क्या है, ये कोई सीन है? चम्मच मारते तो गिराता है पाया, छींटे उड़ती है वो इस वजह से मारते हैं, इसमें कोई साइंस नहीं है। मैं समझा कोई बरकत वाला चम्मच मारते हैं भाई। चाचा हमने पाया उस तरफ को एक पाया तो दे दो कितने मिला अभी भी पाया आपको? बोलो नहीं नहीं मिला। आ जाओ लाइन में लग जाओ आप। तो भाई यहाँ तो रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि भाई हमारे को चने ला दो, पाया ला दो, खा लें, थोड़ा बहुत खाएंगे तो रिव्यू दे सकेंगे। कोई सुन ही नहीं रहा इधर भाई, नफसा नफसी तो असल में यहाँ चल रही है। सही बात, पाया तो आ गया लेकिन पाई के साथ रोटियां नहीं है, तो जवाद भाई को भेजे रोटियां अटेंड करने के लिए। जवाद भाई उठा के ले आओ। जवाद भाई पूरी थैली ले आओ। तो भाई रोटी आ रही है, फिर आपको बताते हैं टेस्ट करके किसका टेस्ट कैसा। बिस्मिल्लाह भाई। ये आएगी रोटी हमारी माशाल्लाह, और अब खाते हैं तो बताते हैं कैसा टेस्ट आ रहा है। तो भाई आज हम आ गए नौमी पाए पे कुरंगी में, तो कुरंगी का भी टेस्ट चेक कर लेते हैं कि कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ हाँ फुल टेंडर पाया है भाई, बेहतरीन सुबहान अल्लाह। भाई अच्छा टेस्ट है, बहुत यूनिक है। कुरंगी में इस टाइम पे इससे अच्छा पाया नहीं मिला। कराची में और भी मजीद पाए हैं अच्छे से, लेकिन कुरंगी में इससे अच्छा पाया नहीं मिला। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पाया। चेक करें कुरंगी चार नंबर नौमी पाया। गोश्त बहुत अच्छा है, टेस्ट थोड़ा सा हल्का है, इतना ज़्यादा वो नहीं है जैसे वो जूसी होता है, लेकिन चने भी है। अभी चने भी खाते हैं। भाई जितना गंदा करके खा सकते हो ना उतना खाओ, उतना मज़ा आएगा। काली मिर्चों वाले वो चने भी इसका एक अपना टेस्ट है, अपनी इसकी तरी है, थोड़े स्वीट स्वीट टाइप के आ रहे हैं, लेकिन वही मैंने आपको बताया कुरंगी में इस टाइम पे इससे अच्छे ना चने मिलेंगे ना इससे अच्छे आपको पाई मिलेंगे। तो आप आए चेक करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर चेक करना अपना। भाई बीफ जो है ना इसका, उसने आखिर कर दी। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, हाथ ऐसे चिपचिप कर रहे हैं। पाए की खासियत ये, जब तक आपके हाथ चिपचिप ना करें ना मज़ा नहीं आता पाया खाने का, और जितना मैसी करके खाए ना पाया उतना मज़ा। हाँ हाँ चाय हमारी आ गई है, और इस टाइम पे हम बैठे हुए हैं कैफ़े अबासीन में, जहाँ की चाय बहुत मशहूर है, चाय आप देख सकते हैं। तो पाया हमने खा लिया,
पाया बहुत अच्छा था, कोई इतना ज़्यादा जिस तरह उसकी हाइप क्रिएट हुई उस तरीके से पाया नहीं था। एक अच्छा टेस्ट था जो कि कुरंगी में इस तरह का टेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमें तो बहुत मज़ा आया खा के। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ यारों के साथ जाके खाएं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी और कैसा पाया था। अपने दोस्त को अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट किसी फूड के साथ किसी अच्छे खाने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा और अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।